हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी पाव। जी हाँ, ये देखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इसके ऊपर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है वो है चीज़ स्प्रेड, जिसको कि मैं आज घर में ही बनाने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपनी चीज़ी पाव की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी चीज़ स्प्रेड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया प्रोसेस चीज़, तो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप के करीब प्रोसेस चीज़ जो है ग्रेट करके ले ली है। अब लेते हैं एक पैन, उसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ 1/4 कप के करीब दूध ले लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो चीज़ हमने ग्रेट करके ली है इसमें से थोड़ी सी चीज़ इसमें डालेंगे और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे पहले। और मिक्स करने के बाद अब इसको गैस पर रखेंगे बनाने के लिए और इसको मंदी आंच पर पकाएंगे। और जैसी हमारी चीज़ मिक्स हो जाती है हम इसमें और चीज़ डाल देंगे, मगर इसको चलाते ज़रूर रहेंगे लगातार, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल किया है। तो ज़रा सा भी अगर आप छोड़ देते तो कॉर्न स्टार्च नीचे बैठ जाता है, उससे लगने का खतरा है और चीज़ भी आपकी जल जाएगी। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके आप इसको मिक्स करते रहिए, करते हुए सारी चीज़ इसमें डाल दीजिए। और अब हमें इसे ऐसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है। एंड मेक श्योर इसमें लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। और अगर गलती से आपसे इसमें गांठें पड़ गई हैं तो आप उस स्टेज पे इसमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ला सकते हैं इसमें। और बस हमें देखिए इस स्टेज तक इसको पकाना है। हमारी जो है क्रीम बनके देखिए तैयार हो चुकी है इसकी करीब करीब। तो गैस कर देते हैं बंद और इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी होममेड चीज़ स्प्रेड बनके तैयार हो चुका है। अब लेते हैं पाव। अब पाव की हमें जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कटिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से इसको काट रही हूँ। पहले ऐसे दो भाग में कटिंग करी, अब इस तरह से घुमाकर अब इसके दो भाग कर लेते हैं। और देखिए हमारे छोटे छोटे पीस बन के तैयार हो गए। मैंने यहाँ 6 पाव ले लिए, उन सबको इसी प्रकार काट लेती हूँ। ये देखिए सब मेरे कट के तैयार हो चुके हैं। अब लेते हैं एक पैन, इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा बटर और बटर के साथ थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। और अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और उसके साथ ही ले लेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। हमें प्याज को हल्का सा ट्रांसल्यूट होने तक पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो सॉफ्ट हो गई हल्की सी। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। आप चाहे तो टेस्ट के हिसाब से 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपको तीखापन पसंद ज़्यादा है तो। अब बस अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटी हुई शिमला मिर्च और इनको भी मिक्स कर लेंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार के मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें सब्ज़ियाँ हमें ऐसी क्रंची सी चाहिए। बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे ही देखिए हमारी पक गया है, जैसे इसमें हल्का सा उबाल आने लगता है इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश बटर, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है जब ऊपर से बटर डालते हैं। तो अब मिक्स करके अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो हमने पाव काट के तैयार करे थे अब बस हमें इस स्टेज पर वो डाल देने हैं इसमें। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई हो तो आप इस रेसिपी को मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। अब इनको ऐसे ही मिक्स करते हुए करीब 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि अंदर तक फ्लेवर बहुत अच्छे से पहुंच जाए इसमें। ये देखिए हमारे पाव अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालने वाले थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब कर देते हैं गैस बंद। नाउ इट्स डन, हमारे पाव बनके तैयार हो चुके हैं। अब इनको सर्व करेंगे गर्मा गर्म चीज़ के साथ में। तो लेते हैं इसको, ये देखिए हमारे पाव लग रहे हैं ना कितने बढ़िया। और सच में ये देखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं, वो भी बिना मसालों के, क्योंकि इसमें असली स्वाद तो सब्जियों का, बटर का और चीज़ का है। और अब इस पर डालेंगे अपनी होममेड चीज़ स्प्रेड। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, मगर घर की बनी चीज़ की बात ही कुछ और होती है। देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। अब फाइनली हल्का सा गार्निश करूँगी इसको धनिया पत्ती के साथ में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चीज़ी पाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं तो अपनी चीज़ी पाव एंजॉय करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी एक बार इस रेसिपी से अपने घर में चीज़ी पाव बनाएं, खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।